हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। पूरी चर्चा करेंगे कि वैकेंसी का अभी क्या चल रहा है, वैकेंसी रद्द होगी या करवाई जाएगी, वैकेंसी को लेकर एग्ज़ाम डेट से संबंधित कोई अपडेट कब तक आएगा, और जो अभ्यर्थी इस वैकेंसी में लगे हैं वो अभी क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी 2017 की है, उसको अभी 5 साल से 6 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं है। 2019 में इस वैकेंसी के फॉर्म रीओपन करे गए थे, उसके बाद से आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो ज़्यादा आपको 1-2 नोटिस मिलेंगे बस। हाई कोर्ट इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, वैकेंसी पड़ी है और वैकेंसी को रद्द भी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी को फॉर्म भर के, कुछ अभ्यर्थी तो फॉर्म भर के भूल चुके होंगे कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी में फॉर्म भी भरा था। उस समय 2019 और 17 में जब वैकेंसी आई थी तब सबने तैयारी करी होगी, उसके बाद सब भूल चुके हैं कि हाई कोर्ट की 2017 की ग्रुप डी की कोई वैकेंसी भी थी। तो बीच में अभी इस वैकेंसी को लेकर अपडेट आई थी उपेन यादव जी की तरफ से, जो अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। तो उसकी तरफ से फिर अपडेट आई कि इस वैकेंसी को जो उसने अभ्यर्थना भेजी थी, उसने अभ्यर्थना वापस राजस्थान हाई कोर्ट को लौटा दी कि वो इस वैकेंसी को नहीं करवाएगा। तो फिर अब आता है वापस राजस्थान हाई कोर्ट पे मामला कि राजस्थान हाई कोर्ट ही इस वैकेंसी को करवाएगा। तो आप देखते हैं कि जो इस वैकेंसी में अभ्यर्थी भी की संख्या भी ज़्यादा है, तो अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी की अभी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का वैकेंसी को रद्द करने के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, तो वैकेंसी अभी रद्द नहीं होगी, वैकेंसी तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ही करवाई जाएगी। क्योंकि अगर ये वैकेंसी को रद्द कर दिए होते तो इनका ये राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर कोई ना कोई अपडेट डाल देते रद्द से, या तो इस वैकेंसी को ये रद्द कर देवे या इस वैकेंसी को अब एग्ज़ाम को लेकर कोई अपडेट देवे। तब हम देखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अभी क्या करें। इसमें कुछ अभ्यर्थी तो अदर वैकेंसीज में लग चुके होंगे और कुछ अभ्यर्थी अभी भी इस वैकेंसी में लगे होंगे, साथ ही साथ उनको अभी वैकेंसियां जो अभी दूसरी आ रही है उसमें भी साथ में तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस वैकेंसी के साथ, इस वैकेंसी में भी ऐसा है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं और भूल चुके हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हो सकती है और आपका नंबर आने के चांस भी है। बट ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट कब वैकेंसी को करवाएगा इस पे, तो आप इस वैकेंसी के साथ साथ अदर वैकेंसी की भी तैयारी शुरू रखें, क्योंकि वैकेंसी रद्द नहीं हुई है, वैकेंसी को करवाया जा सकता है अभी भी, और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ही करवाया जाएगा। और कोई बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस वैकेंसी को, बाकी कोई भी बोर्ड ले लो आप, कोई बोर्ड इस वैकेंसी को नहीं करवाएगा, राजस्थान हाई कोर्ट ही इस वैकेंसी को करवा सकता है और उससे संबंधित आपको अपडेट मिल सकती है जुलाई के अंतिम वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो जो अभ्यर्थी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में लगे हैं उनके लिए ये वीडियो था कि वो अभी तैयारी भी कर रहे हैं और डीमोटिवेट भी होते कि हम किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी संबंधित कोई नोटिस नहीं आ रहा है, या वैकेंसी कब तक होगी, मन में सवाल उठते हैं। तो आप इस वैकेंसी के साथ साथ इस वैकेंसी को भी छोड़े नहीं,
इस वैकेंसी की भी तैयारी करते रहें और साथ ही साथ अदर वैकेंसी की भी तैयारी करें। और जो लास्ट में बात यह कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी निरंतर तैयारी करें, साथ ही अपनी पढ़ाई भी चालू रखें और जो वैकेंसी और भी आ रही है उन पर भी ध्यान दें। दोनों वैकेंसी में पढ़ाई तो अपन हमको करनी है, तो अपन साथ ही साथ दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी करते रहें और इस वैकेंसी की भी ये नहीं रखे कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। हमारी वैकेंसी कब होगी, तैयारी हमारी होनी चाहिए कि हम जब भी वैकेंसी या एग्ज़ाम डेट आवे तो हम उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार रहें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित सभी अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेंगे।